चेयरमैन नया आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आफ्ताब सुल्तान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अहम और बड़ी खबर, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। ज़रा के मुताबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान पर एक माह से शदीद दबाव था, यही उनके इस्तीफे की वजह बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आफ्ताब सुल्तान की मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जरा के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान ने वज़ीर आज़म को आगाह किया कि वो खिलाफ कानून काम जारी नहीं रख सकते। चेयरमैन नैब पर एक माह से शदीद दबाव था। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ओहदे से मुस्ताफी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा कि आइन की मंशा के बरखिलाफ इस माहौल में काम नहीं कर सकते। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन नैब पर एक माह से शदीद दबाव था। आफ्ताब सुल्तान ने नैब स्टाफ को भी अपने इस्तीफे से आगाह कर दिया है। दूसरी जानब वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक चेयरमैन नैब ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। आफ्ताब सुल्तान के इसरार पर वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। वज़ीर आज़म ने आफ्ताब सुल्तान की ईमानदारी और फर्ज़शनासी की तारीफ की। दूसरी जानिब नैब कवानीन में तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेरे समाअत है। नए नैब कवानीन के मुताबिक कौन सा केस कहाँ इरसाल करना है, आफ्ताब सुल्तान ने मुख्तलिफ ब्यूरोज में इस हवाले से नए कानून के मुताबिक ड्यूटीज लगा रखी थी। आफ्ताब सुल्तान को 21 जुलाई 2022 को चेयरमैन नैब लगाया गया था। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को ओहदे का चार्ज संभाला। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विस पाकिस्तान से है और वो ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। आफ्ताब सुल्तान DGIB समेत दीगर अहम ओहदों पर भी तायुनात रह चुके हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।